प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने राजधानी भोपाल के पौश इलाके कोहीफिजा स्थित शासकीय विद्यालय में 8 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सरकार सीएम राय स्कूलों के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने में व्यस्त है और सरकारी स्कूलों में कानून से खौफजदा बलात्कारी दुष्कर्मों में मस्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट करें कि क्या इस तरह की घटनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी राजनीतिक जुमलेबाजी का पर्याय हो चुकी है। संगीता शर्मा ने मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वे यूथ महापंचायत के नाम पर जहां सुर्खियां बटोरने में मशगूल है, वहीं उनकी मासूम भांजियां अपनी अस्मत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि अत्याचार गैंगरेप जैसी वारदातें होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। हमेशा से मध्य प्रदेश नंबर वन पर बना हुआ है। आज ही कोहीफिजा के एक शासकीय स्कूल में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश में कैसे बेटियां सुरक्षित रहेगी। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे में कैसे बेटियां पढ़ पाएगी और कैसे बेटियां बचेगी। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम देखे कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल शहर के अंदर एक महिला के साथ इस तरीके की वारदात हुई कि उसे 118 टाके आए। उस बात को कुछ दिन भी नहीं बीते और आज ये वारदात सामने आ गई। इस तरीके की रेप की घटनाएं जब सामने आती है तो मन बहुत ही उद्वेलित हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हम सीएम राइस स्कूल खोलेंगे, तो ऐसे में कैसे सीएम राइस स्कूल खुलेंगे जब बच्चियां सुरक्षित ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो इनकी योजनाएं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और इन पर कोई काबू नहीं कर पा रही है। वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, आज इस बच्ची के साथ तो कल दूसरी बच्ची के साथ। ऐसी स्थिति को लेकर सरकार गंभीर नहीं है।